कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारा जो जानी दुश्मन है यानी कि जो क्वांट है उसे कैसे प्रिपेयर करेंगे। मैं जब प्रिपेयर करना मैंने शुरू किया था तो क्वांट से मुझे सच में बहुत डर लगता था और क्वांट मेरी काफ़ी वीक भी थी, तो मैंने क्वांट पे सबसे ज़्यादा काम किया था, इसीलिए मुझे वीडियो बनाने में थोड़ा सा टाइम भी लगा। आज संडे है तो मैं इसलिए इसको शूट कर पा रही हूँ, अदरवाइज जल्दी जल्दी में मैं इसको शूट नहीं कर पाती। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हमारे एनिमी को हम कैसे किल कर सकते हैं बाय रेगुलर प्रैक्टिस, और कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं वो हमें पहले पढ़ने हैं या कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं हमें बाद में पढ़ने हैं, और कौन से टॉपिक्स की ज़्यादा प्रैक्टिस हमें करनी पड़ेगी और कहाँ से करनी पड़ेगी, क्या क्या सोर्सेज रहेंगे हमारे, कौन कौन से बुक्स हम पढ़ सकते हैं। तो इन सारे टॉपिक्स के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने इजी एंड स्कोरिंग टॉपिक्स की, ठीक है। ये कंपैरेटिवली बाकी सारे टॉपिक्स से क्वांट के इजी होते हैं और इनकी वेटेज भी जो होती है एग्जाम में वो बहुत ज़्यादा होती है, अगर मैं प्री की बात करूँ तो। क्योंकि जब आप प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो तो आप प्री को ही पहले टारगेट करते हो, मेंस की तो बाद में आती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन की। तो अगर आप पीयू के एग्जाम के लिए जा रहे हैं तो मैक्सिमम 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, वहीं अगर आप क्लरिकल के एग्जाम में जा रहे हैं तो आपको 10 क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले अपनी प्रिपरेशन इसी टॉपिक से शुरू की थी। मैंने क्या किया था, सिंप्लीफिकेशन की मैंने यूट्यूब पे वीडियो ऑन की, मैंने एक्चुअली मैं अरुण सर की वीडियो से शुरू किया था क्योंकि उनका तरीका मुझे सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन करने का ज़्यादा अच्छा लगता है और उनकी कुछ ट्रिक्स भी काम आती है, नॉट सारी, मैं सारे ट्रिक्स आपको यूज़ करने के लिए बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगी। कोई भी एक स्टैंडर्डाइज अप्रोच आप पकड़िए जिससे आप अच्छे से मल्टीप्लीकेशन एडिशन सब कर पा रहे हैं और आपको क्वेश्चन जो है एक्यूरेटली सॉल्व हो रहा है। सारे ट्रिक्स के लिए आपको नहीं जाना है कि लास्ट के डिजिट ये हैं तो ये आंसर आएगा या ये कॉम्बिनेशन है तो ये आंसर आएगा, नहीं, वो सब काम नहीं आता है। एक स्टैंडर्डाइज अप्रोच पकड़िए जिससे आपकी कैलकुलेशंस जो हैं वो एक्यूरेटली निकल कर आ रही हैं और आपको सॉल्यूशन उसका सही से मिल रहा है। लेकिन जो स्क्वायर निकालने की ट्रिक है या क्यूब रूट कैसे निकालना है या फ्रैक्शन वैल्यूज कैसे निकालनी है, वो सारे ट्रिक्स आप के लिए जा सकते हैं। तो आपको क्या करना है, यूट्यूब वीडियो स्टार्ट करनी है, ठीक है, उनके साथ साथ क्वेश्चन बनाते जाइए, फिर उनका सॉल्यूशन देखिए, ठीक है। उसके बाद क्या कीजिए, एक डेली का कोई भी क्विज उठा के वहां से कीजिए। आपको बस ये करना है कि अगर आपकी 5 से 10 की प्रैक्टिस हो जा रही है रोज सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन की, ऑल्टरनेट डेज पे एक दिन सिंप्लीफिकेशन फिर एक दिन अप्रोक्सीमेशन, तो आपको वो डेली ही करनी है, ठीक है। एक डेली आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका टाइम जो है ग्रेजुअली कम होता जाएगा और एक्यूरेसी के साथ करना है आपको ये, ठीक है। इसके अलावा जब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करूँ नंबर सीरीज की, तो नंबर सीरीज मैंने किया था सुमित सर से। तो सुमित सर की एक वीडियो है जिसमें उन्होंने पैटर्न्स बताया कि कितने तरीके के नंबर सीरीज एक्चुअली में जो है वो पेपर में आती हैं, कौन कौन से पैटर्न से नंबर सीरीज के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, सारे पैटर्न को लिख के रख सकते हो और जब आप डेली प्रैक्टिस करो, जैसे डेली आपने मान लो 10 क्वेश्चन सॉल्व किए, तो आप उसमें लिख सकते हो कि आपने कौन कौन से पैटर्न के क्वेश्चन पे आप राइट टिक करते जाइए कि मैंने इस पैटर्न के क्वेश्चन आज किए हैं। तो थोड़े दिन बाद क्या होगा कि आपको पैटर्न जो है ना वो रट जाएंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हाँ ये जो नंबर सीरीज में कौन सा पैटर्न है, जो हम पैटर्न ढूंढते हैं स्टार्टिंग में, तो वो ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चाहे वो रॉन्ग नंबर सीरीज हो चाहे मिसिंग हो। वो भी आप ऑल्टरनेट डेज कर सकते हैं कि एक दिन आपने मिसिंग वाली कर दी जो कि इजी होती है कंपैरेटिवली रॉन्ग नंबर सीरीज के, और एक दिन रॉन्ग वाली कर दीजिए, है ना। तो उसी में सेम ही पैटर्न होते हैं और उन्हीं पैटर्न से ही क्वेश्चन तोड़ मरोड़ के उन्होंने पूछे होते हैं। तो आप जब पैटर्न पहचान लेंगे तो वो काफी इजी हो जाएगा आपके लिए। इसके बाद बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो वो मैंने अरुण सर से ही किया था अगेन, तो वहाँ पे भी उनकी ट्रिक्स जो है मेरे को अच्छी लगती है, वो वाली जो वो बताते हैं ना कि प्लस माइनस वाली, वो ट्रिक उनकी एक्चुअली में मुझे पेपर में काम आई थी। एक क्वेश्चन करने में मुझे 4 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़े लेकिन एक ट्रिक से हो गया था, तो उसके लिए भी आप जा सकते हैं, वहाँ से मैंने किया था तो मुझे काफ़ी हेल्प किया। इसके बाद हम बात करेंगे डीआई की, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अगर आप क्वांट की बात करें तो। मेंस में भी सबसे ज़्यादा वेटेज डीआई की होती है और प्री में भी आपको 2 डीआई तो एटलीस्ट दिखेंगे, किसी किसी शिफ्ट में 3 भी होती है, तो 2 तो आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। तो
आप डीआई कर सकते हैं। डीआई करने से पहले मैं एक्चुअली में ये बोलना चाहती थी कि डीआई करने से पहले आपको दो अर्थमेटिक के जो टॉपिक्स हैं वो करने पड़ेंगे, चाहे वो मतलब आप कोई भी डीआई करने जाएं। प्री में जो एक्चुअली में डीआई आती है वो बहुत ज़्यादा हार्ड लेवल की नहीं आती, लेकिन जो ये दो टॉपिक्स मैं आपको बता रही हूँ जिसमें से एक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन और एक है परसेंटेज, अगर आप ये दो टॉपिक्स कर लेते हैं डीआई करने से पहले तो आपको डीआई और ज़्यादा ईजी लगेगी। वैसे तो जो डीआई आती है प्री में वो बार ग्राफ और लाइन ग्राफ और पाई चार्ट इनसे आती है, लेकिन आजकल केसलेट भी वो करने लगे हैं, केसलेट भी देने लगे हैं आपकी एक शिफ्ट को डिफिकल्ट बनाने के लिए, वो 3 नंबर की या 5 नंबर की केसलेट भी ऐड कर रहे हैं। क्योंकि मेरी खुद की शिफ्ट में एक केसलेट आई थी, आई डोंट रिमेम्बर कि कौन सा प्री का एग्जाम था, इतने सारे एग्जाम देते तो मुझे याद भी नहीं रहता कि कौन सा क्वेश्चन कौन से एग्जाम में किया था, तो एक फंसी थी मुझे याद है, लेकिन वो 3 ही नंबर की थी। तो केसलेट भी आप करके जाएंगे डीआई में, लेकिन उससे पहले आप रेशियो प्रोपोर्शन और परसेंटेज के टॉपिक जो है वो कर लेना, उससे काफ़ी हेल्प मिलती है। और बाकी सारे टॉपिक्स में भी आई थिंक सो उससे हेल्प मिलती है, जैसे रेशियो प्रोपोर्शन करते हो तो आपको मिक्सर एंड एलिगेशन में भी वो हेल्प करता है, अगर आप परसेंटेज पहले कर लेते हैं तो SICI में वो हेल्प करता है। तो उससे क्या होता है कि बेस बन जाता है, अगर आप पार्ट मतलब कर लेंगे ना तो बाकी सारे क्वेश्चन आगे जाके अर्थमेटिक के बाकी सारे टॉपिक्स जो हैं वो इजी हो जाएंगे, और डीआई तो बहुत इजी हो ही जाएगी क्योंकि ज़्यादातर डीआई जो होती है वो परसेंटेज पे और रेशियो प्रोपोर्शन पे ही बेस्ड होती है। तो वो आप कर सकते हैं, और एज यूजुअल कहाँ से प्रैक्टिस करेंगे, यूट्यूब वीडियोस, अमर सर की प्लेलिस्ट है, मतलब भर भर के प्लेलिस्ट है उनकी, इसके अलावा आशीष सर बहुत अच्छे डीआई की प्लेलिस्ट है उनकी भी, अरुण सर भी बहुत सारी डीआई करवा चुके हैं, सुमित सर की बहुत सारी वीडियोस हैं, और मतलब बहुत सारे चैनल्स की वीडियोस हैं, आपको सब पे नहीं जाना जिसको आपका समझ आता है। मैंने अमर सर की भी की थी, उनकी भी पुरानी लेकिन मैंने उनकी मेंस के लिए फॉलो की थी। तो प्री की तो आप कहीं से भी कर सकते हैं, साथ साथ उनकी क्विजेज लगाते जाइए, वरना बुक उठा लीजिए, बुक से अच्छी प्रिपरेशन होती है, तो वहां से आप कर सकते हैं डीआई की प्रैक्टिस। और डेली 2 डीआई तो अलग अलग पैटर्न पे आपको करनी है, ऐसा नहीं है कि डेली आप पाई चार्ट की करें, नहीं, एक अलग और एक अलग कर सकते हैं, चाहे वो क्विजेज के थ्रू हो चाहे यूट्यूब वीडियोज के थ्रू हो, वो कीजिए। और इसके बाद हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आता है, वो आता है अर्थमेटिक, जिससे बहुत सारे बच्चे डरते हैं और मेरा खुद का नाइटमेयर था वो, मतलब मैं क्या बताऊँगी मैंने कैसे प्रैक्टिस की अर्थमेटिक की, मतलब अभी तो मैं हंस रही हूँ, उस टाइम पे तो मुझे इतनी टेंशन होती थी कि मुझसे अर्थमेटिक नहीं होती है मैं कैसे करूँगी, तो तभी मैंने ज़्यादा उस पर प्रैक्टिस किया और अच्छा ही है जो कि किया, तभी मैं आज यहाँ बैठी हूँ। तो सबसे पहले हम, जैसे कि मैंने बताया कि रेशो एंड प्रोपोर्शन और परसेंटेज आपको सबसे पहले करना है, तो वो आप कैसे कर सकते हैं, ऑफ कोर्स यूट्यूब वीडियो आपको लिए मैंने किया था, जो सुमित सर की वीडियोस थी उनसे, इसके अलावा मैरिट शाइन एक चैनल है उनकी भी अच्छी बेसिक की वीडियोस हैं, वहाँ से आप कर सकते हैं, और बाकी उसके अलावा अगर आप कोई और आप ट्यूटर फॉलो कर रहे हैं तो आप वहाँ से कर सकते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट कीजिए, आप एक वीडियो देखिए, 2 वीडियो देखिए, वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या कीजिए, मैंने क्या किया था, बेसिक बुक उठाई थी जो कि RS अग्रवाल है, बहुत सारे लोग उसको रिकमेंड नहीं करते हैं क्योंकि वो काफ़ी पुरानी बुक बताई जाती है और बोलते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन, बट एक्चुअली में जो प्री में क्वेश्चन आते हैं वो उसी लेवल के आते हैं, और उससे क्या होता है कि आप बिल्कुल बेसिक के लेवल से बनाना शुरू करेंगे ना तो आपको 2 वीडियो देखने के बाद ही क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएंगे आपसे, तो आपको ना थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी मिलता है अर्थमेटिक को करने के लिए। तो मेरे साथ ये हुआ था, तो मैंने वहीं से अपना जो क्लैरिटी था बेसिकली वहां से लेना शुरू किया, मैंने एक टॉपिक को 2 से 3 दिन दिए, 100 से 150 क्वेश्चन आप लगाइए, और उस बुक में ही हर एक टॉपिक के इतने क्वेश्चन गिवन है, तो आपको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है, और आपकी अगर क्वांट थोड़ी ठीक है तो आप क्वांटम कैट का भी Level 1 कर सकते हैं, प्री के लिए वो काफ़ी अच्छी बुक है, तो Level 1 लगाइए तो आपकी प्री की प्रैक्टिस तो उससे भी हो जाएगी, तो वो कीजिए। अब मैंने क्या किया था कि बेसिक लगाया RS अग्रवाल का, हर एक टॉपिक के क्वेश्चन कर लिए, और ऐसे सारे टॉपिक्स के क्वेश्चन किए एक्सेप्ट मेंसुरेशन, मैंने जैसे बताया मैंने मेंसुरेशन छोड़ दिया था, मैंने कब बताया नहीं बताया, मतलब नेक्स्ट मैं बताने वाली थी कि मैंने मेंसुरेशन छोड़ दिया था, लेकिन मैंने सारा टॉपिक्स किए उसके अलावा, क्योंकि मेंसुरेशन मैंने काफ़ी दिन उस पर दिए मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया तो मैंने वो छोड़ दिया था, बट आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप छोड़ के जाए, अगर आपके पास टाइम है तो आप सारे ही टॉपिक करके जाइए। अर्थमेटिक में सबकी वेटेज 1 से 2 क्वेश्चन ही है,
हर पेपर में जो है 1 से 2 क्वेश्चन ही आते हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि कौन से टॉपिक से 1 क्वेश्चन आ जाएगा, कौन से टॉपिक से 2 क्वेश्चन आएंगे। ज्यादातर जो मिक्सचर एंड एलिगेशन, स्पीड एंड डिस्टेंस, और एक और टॉपिक है जो उनके मतलब काफी एवरेज, काफी फेवरेट है, तो उनसे 2 2 क्वेश्चन वो पूछ लेते हैं। इसके अलावा बाकी सबसे तो एक एक टॉपिक ही देखने को मिलता है। तो सबसे पहले आप ये कीजिए, ठीक है, और एक एक करके सारा टॉपिक्स को करना शुरू कीजिए। आप रेशन प्रोपोर्शन कीजिए, उसके बाद परसेंटेज कीजिए, उसके बाद आप इजी इजी टॉपिक्स उठा सकते हैं, जैसे SI CI कर सकते हैं, एजेस कर सकते हैं, एवरेज कर सकते हैं, पार्टनरशिप कर सकते हैं, ये कंपैरेटिवली इजी टॉपिक्स हैं। इसके बाद आप मिक्सचर एनालिगेशन कीजिए, टाइम एंड वर्क कीजिए, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस कीजिए, और जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस मुझे लगते थे जिस टॉपिक पे, वो थे परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी और मेंसुरेशन। तो मैं छोड़कर ही गई थी, बट मेंस में फंसते हैं क्वेश्चन, और प्री में तो काफी इजी, और अगर आपको फॉर्मूलाज ही याद है तो आप कर लेंगे सॉल्व। तो करके जाइए सब, ठीक है। तो आप सारे टॉपिक्स को, जैसे आपको 1 से 1.5 महीने में अपने सारे टॉपिक्स को एक एक दो दो तीन तीन दिन लगा के, 4 दिन लगा के, जब तक आपको समझ नहीं आए, सारे क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो, आपने खत्म किया, उसके बाद क्या कीजिए, उस बुक को फिर से लगाइए। उस बुक को फिर से लगाने का एक्चुअली में फायदा ये होगा कि आपको तब भी कई क्वेश्चन में फिर से अटकेंगे, तो बिल्कुल एकदम कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। उसके बाद क्या होगा कि आप मॉक जब लगाना शुरू करेंगे तो आप बीच में अटकेंगे नहीं क्वेश्चन, कि आपने ऐसा क्वेश्चन किया है लेकिन आपसे अब क्यों नहीं सॉल्व हो रहा। तो वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मुझे वहां जाके मिली जब मैंने बुक्स को 2 बारी लगाया, 3 बारी लगाया, तब तो मैं बीच में अटकती नहीं थी क्वेश्चन की, कि ये क्वेश्चन मैंने बनाया तो है लेकिन मैं फिर भी अटक रही हूँ इसमें, तो वो मेरे साथ होता था। तो बुक को रिपीट करना बहुत जरूरी है। तो ऐसे करके आप प्रिपरेशन को अपनी अच्छा बना सकते हैं, और फिर मॉक लगाना आप शुरू कर देंगे, तब तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से टॉपिक्स में आप वीक हैं या किसको ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो मैंने अपने प्रिपरेशन क्वांट की ऐसे ही की थी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको काफी हेल्प भी करेगी ये वीडियो अपने प्रिपरेशन को एक कम से कम पेस देने के लिए, या एक विजन देने के लिए कि आपको अपने प्रिपरेशन जो है ऐसे करने हैं। अपने लिए डेली टारगेट सेट कीजिए कि मुझे इस टॉपिक्स के डेली जो है 5 से 10 क्वेश्चन करने हैं, और ऐसे टारगेट्स बनाए जो आप एक्चुअली में अचीव कर पाए। ऐसे ऐसे नहीं कि आप सोचें कि आप 1000 क्वेश्चन कर लेंगे 1 वीक में, तो नहीं। आप ये देखिए कि हम डेली क्वेश्चन बना रहे, कि डेली आप सबके 10 10 क्वेश्चन कर रहे हैं, और एक कोई अर्थमेटिक का टॉपिक उठा रहे हैं, या DI एक कर रहे हैं, या ऐसा कुछ टारगेट अपने लिए सेट कीजिए, तो आपकी प्रिपरेशन जो है वो काफी अच्छी हो जाएगी। रही बात सोर्सेज की, तो यूट्यूब वीडियोज, एज मैंने इतने सारे यूट्यूब वीडियोज के बारे में बात की है पीछे, तो सुमित सर, आशीष सर, अरुण सर, इसके अलावा मैरिट साइंस चैनल है, आप उनके लिए जा सकते हैं। मॉक टेस्ट आप मैंने ऑलिव बोर्ड के दिए थे, टेस्ट बुक के दिए थे, और अड्डा के दिए थे। इसके अलावा बुक्स क्वांटम कैट और RS अग्रवाल मैंने की है, और फ्री PDFs आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री क्विजेज आप किसी भी साइट से जाके कर सकते हैं, सारे ही यूजफुल होते हैं, आपकी प्रैक्टिस ही होगी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, प्लीज सब्सक्राइब गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय।